दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं जलील जेनी नाम की एक लड़की को जो कि अपने रूम में बैठी एक रोमांटिक मूवी देख रही होती है। तभी अचानक जेनी के गोदाम में खुजली मचने लगती है जिसको मिटाने के लिए वो अपना प्यारा सबसे दुलारा घोड़े वाला खिलौना निकालती है और उसको अपनी मौत की गुफा में घुसाकर आनंद लेने लगती है। अभी कार्यक्रम आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वहां पर उसका बाप और भाई आ जाते हैं और उसे बर्थडे विश करने लगते हैं। फिर वहां पर कुछ और लोग भी केक लेकर आ जाते हैं क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहते थे। तभी अचानक जेनी का कुत्ता उसके पैरों से चादर को उतार देता है और तभी जो उसका खिलौना था वो उसकी मौत की गुफा से बाहर निकलता है और हवा में उड़ता हुआ सीधा उसके केक पर जाकर गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी का बाप उन दोनों को स्कूल छोड़ने जाता है जिस दौरान जेनी का भाई उल्कापिंड उसे कहने लगता है कि तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। जेनी कहती है कि नहीं, मुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाना। उल्कापिंड कहता है कि तुम्हें डैड का रूल तो पता है ना, सबसे पहले तुम अपने खेत में मजदूरी करवाओगी और उसके बाद ही मुझे किसी के खेत में मजदूरी करने को मिलेगी। वहीं स्कूल में हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि फुटपाथ पर डांस कर रही होती हैं। लेकिन तभी वहां पर जेनी का बाप भाई की तरह गाड़ी लेकर आता है और एक लड़की को उड़ा देता है। इसके बाद स्कूल में एक लड़के की एंट्री होती है जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है। तभी हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि हमारा अपना प्यारा कैप्टन अमेरिका होता है। वो स्कूल में इतना ज्यादा पॉपुलर होता है कि स्कूल की लड़कियां उसे देखते ही अपनी कच्ची उतार कर उसकी तरफ फेंकने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जिसके पास उसका बेस्ट फ्रेंड चमन चौपाटी आता है। ये बावलीगांड जेनी को बचपन से ही पसंद करता था लेकिन उसके पिछवाड़े में इतना गोदा नहीं था कि वो अपने दिल की बात उसे बता सके। वहीं हम जेनी के भाई उल्कापिंड और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि पिछले हफ्ते ही 12 साल के हुए थे और अब वो किसी लड़की को दबाकर बजाने के लिए तड़पे जा रहे थे। तभी उल्कापिंड की नजर अमेंडा नाम की एक लड़की पर पड़ती है जो कि एकदम पटाका थी। तभी उसको देखते ही उल्कापिंड का घोड़ा खड़ा हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अब तो इसको ही बजाना पड़ेगा। इसके बाद हम कैप्टन अमेरिका को देखते हैं जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ बकचोदियां कर रहा था। तभी वहां पर आती है फड़फड़ाती फुद्दी जो कि कैप्टन अमेरिका की बहन होती है और देखने में एकदम माल। फिर वो कैप्टन अमेरिका के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। जब भी मैं किसी लड़के को कहती हूँ कि वो अपना सामान जहाँ चाहे रख सकता है वो हमेशा मेरे पिछवाड़े में ही क्यों रखता है। इस पर कैप्टन अमेरिका कहता है कि तुम ये सब बातें मेरे से क्यों कर रही हो। वो कहती है क्योंकि जब भी उनका काम खत्म हो जाता है तो मैं उनका सारा माल बाहर निकाल देती हूँ। इसी दौरान वहाँ पर एक और पटाखा आती है जिसका नाम चूची बाई होता है और वो कैप्टन अमेरिका की गर्लफ्रेंड होती है। फिर वो उसके पास आती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे बाहर अकेले में कुछ बात करनी है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम कैप्टन अमेरिका को देखते हैं जो कि चूची बाई को कहता है कि तुम इस घोंचू के लिए मुझे छोड़ रही हो। चूची बाई कहती है कि नवाजुद्दीन फुद्दी की बहुत प्यारा है और मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। अभी सुनकर कैप्टन अमेरिका दुखी हो जाता है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी लड़की ने उसे छोड़ दिया था। फिर हम देखते हैं एक आर्ट क्लास के अंदर जलील जैनी को जो कि एक पेंटिंग बना रही होती है। वो उसको लेकर इतनी ज्यादा मेहनत कर रही होती है कि उसकी आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं लेकिन अपनी इतनी कड़ी मेहनत और लगन के बाद वो फाइनली अपना मास्टरपीस बना ही लेती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद कैप्टन अमेरिका अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जो कि अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ चुमाचाटी कर रही होती है। कैप्टन अमेरिका कहता है कि चूची बाई ने इस घोटू के लिए मुझे छोड़ा, वो क्या खुद को पापा की बारी समझती है। इस पर उसका दोस्त निर्भय निरोध कहता है क्योंकि चूची बाई एक प्रॉम क्वीन है। कैप्टन अमेरिका कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं उसके मुंह से सारा मेकअप उतार दूं और उसके सारे कपड़े छीन लूं तो वो बिल्कुल चंपक चच्चा की तरह दिखेगी, इसलिए प्रोम क्वीन तो कोई भी लड़की बन सकती है। तभी निर्भय निरोध कहता है कि मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि तुम्हें स्कूल की सबसे झल्ली लड़की को इस साल की प्रोम क्वीन बनाना होगा। कैप्टन अमेरिका उसकी ये शर्त मान जाता है जिसके बाद वो स्कूल की सबसे एवरेज लड़की को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें सामने से आती हुई जेनी दिखाई देती है जिसको देखकर कैप्टन अमेरिका का रोना निकल जाता है और वो कहता है कि नहीं यार, मुझे कोई भी चलेगी लेकिन ये नहीं, ये तो पूरी बहन जी जैसी है, ये प्रॉम क्वीन कैसे बन सकती है। दूसरी तरफ हम उल्कापिंड और उसके दो हरामी दोस्तों को देखते हैं जो कि नंगी लड़कियों को देखने के लिए उनके लॉकर रूम में झांक रहे होते हैं लेकिन जब वहां से उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता तो वो प्लान बनाते हैं कि वो वेंटिलेशन में घुसकर वहां से लड़कियों के लॉकर रूम में जाकर उनको देख लेंगे। जिसके बाद वो तीनों उस वेंटिलेशन चैम्बर में घुस जाते हैं और सीधा जाते हैं लड़कियों के बाथरूम के ऊपर। फिर वो वहां पर दो लड़कियों को देखते हैं जो कि साथ में नहा रही होती हैं लेकिन तभी अचानक उन दोनों में क्या छुलसी मचती है, वो दोनों एक दूसरे के पास जाती है और अपनी गुफाओं को आपस में रगड़ना शुरू कर देती हैं। वहीं वो तीनों हरामी ये सब ऊपर से देख रहे होते हैं और मजे ले रहे होते हैं। तभी उसी बाथरूम के जस्ट नीचे हम एक क्लासरूम को देखते हैं जिसमें एक टीचर स्टूडेंट्स को पोएट्री पढ़ा रहा होता है। इसके बाद जब वो दोनों लड़कियां नहाकर वहां से चली जाती हैं तो वो तीनों और भी सामानों को देखने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। फिर वो वहां पर एक लड़की को देखते हैं जो कि वहां पर टट्टी करने आती है। तभी उनमें से एक दोस्त कहता है कि लड़की तक तो ठीक था लेकिन उसकी टट्टी देखने में कोई मजा नहीं है। इस पर उल्कापिंड कहता है कि जो वो दिखा रही है वो देखो और मजे लो लेकिन फिर वो देखते हैं कि वो लड़की टट्टी करते हुए गंदी गंदी बदबू छोड़ना शुरू कर देती है जिससे उन तीनों के दिमाग का बुरा हो जाता है। फिर कुछ देर बाद उन तीनों का वहाँ पर दम घुटने लगता है और साथ ही हम देखते हैं कि ऊपर से वो सीलिंग टूटना भी शुरू हो जाती है। वहीं नीचे पोएट्री टीचर अपने स्टूडेंट्स को गालियां दे रहा होता है और उनको कहता है कि तुम सबके दिमाग में तो सिर्फ टट्टी भरी है। तभी वो सीलिंग पूरी टूट जाती है और वो तीनों उस टट्टी करती हुई लड़की के साथ नीचे आकर सीधा उस टीचर पर गिरते हैं। वहीं लंच के दौरान कैप्टन अमेरिका जेनी के पास आता है और उसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन जेनी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने पिछले 6 सालों से उससे कभी भी बात नहीं करी थी। फिर स्कूल खत्म होने के बाद कैप्टन अमेरिका रग्बी की प्रैक्टिस करने जाता है लेकिन उसे वहां पर खेलने नहीं दिया जाता और एक कोने में बिठाकर रखा जाता है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब कैप्टन अमेरिका उनकी टीम के साथ एक मैच खेल रहा था तभी गेम के दौरान उसने बॉल एक चोमू से लड़के को दे दी। उसे लगा कि शायद उनकी टीम ये गेम जीत जाएगी लेकिन तभी उस बॉल को लेने के लिए दो खिलाड़ी आते हैं और उस लड़के के बीच में से दो टुकड़े कर देते हैं।
और इसी कारण से कैप्टन अमेरिका को अब कभी भी ये गेम खेलने नहीं दिया जाता। फिर रात को जब कैप्टन अमेरिका निराश होकर अपने घर पर आता है तो उसका बाप उसे कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि चूची भाई ने तुम्हें धोखा दे दिया है, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए एक परफेक्ट लड़की ढूंढ रखी है। कैप्टन अमेरिका कहता है कि अच्छा कौन है वो। तभी उसका बाप वहां पर उसकी माँ को बुलाता है और उसे कहता है कि बताओ कैसी है। कैप्टन अमेरिका कहता है लेकिन ये तो मेरी माँ है। बाप कहता है कि यही तुम्हारे लिए बेस्ट है। जिसके बाद वो उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उधर जेनी के घर पर भी उसका बाप जेनी के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, आज तुम इतनी शांत कैसे लग रही हो। जेनी बताती है कि स्कूल के एक पॉपुलर लड़के ने मुझे प्रपोज किया लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे अपनी पिंकी पिटवाऊं या नहीं। बाप कहता है कि पहले तुम्हें उसके साथ कहीं बाहर जाना चाहिए, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो लड़का तुम्हारे लायक है भी या नहीं। उधर दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका अपनी बहन के रूम में आता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, दरअसल मैं चाहता हूँ कि जेनी मुझसे प्यार करना शुरू कर दे। इस पर फड़फड़ाती फुद्दी कहती है कि ठीक है लेकिन उसके बाद तुम्हें मेरे साथ मजदूरी करनी होगी। कैप्टन अमेरिका कहता है लेकिन तुम तो मेरी बहन हो। जिस पर फड़फड़ाती फुद्दी कहती है कि अगर कुछ लेना है तो कुछ देना भी पड़ेगा, जिसके बाद वो उसे कहती है कि सबसे पहले तुम उसका विश्वास जीतो। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल में कुछ लड़के जेनी के भाई को तंग कर रहे होते हैं। तभी कैप्टन अमेरिका उसे देख लेता है और वहां पर आकर उन्हें रोकने लगता है, लेकिन तभी उल्कापिंड कैप्टन अमेरिका को ही घुसंड पिला देता है जिससे गुस्सा होकर कैप्टन अमेरिका उसे मार मार कर उसका भूत बना देता है। फिर उसकी बहन बताती है कि जेनी को स्पेशल फील कराने के लिए उसके लिए एक रोमांटिक सा गाना गाओ जिसके अंदर उसका नाम भी हो। इसके बाद कैप्टन अमेरिका उसके लिए गाना गाने लगता है और गाने में कहता है कि जेनी के पास गन है और वो सबको मार डालेगी। अब ये सुनकर सभी उसे डर कर भागने लगते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि जेनी के पास सचमुच की गन है। इसी दौरान वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और जेनी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है, लेकिन फिर कैप्टन अमेरिका उसे छुड़ाकर अपने घर ले आता है और कहता है कि चलो अब जल्दी से घोड़ी बन जाओ। जेनी कहती है कि तुम होगे सबसे हैंडसम लेकिन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। तभी कैप्टन अमेरिका अंदर चला जाता है और अपने घोड़े पर क्रीम लगाकर आता है। तभी जेनी उसके घोड़े को देखती है और कहती है कि मुझे मीठा खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कैप्टन अमेरिका फिर से जेनी के घर पर आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी। जेनी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती क्योंकि मैं अच्छे से तैयार नहीं हूँ। पर तभी वहाँ पर फड़फड़ाती फुद्दी आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी इस बंजर जमीन को फिर से हरा भरा कर दूंगी, जिसके बाद वो उसे ऊपर रूम में ले जाती है और उसका मेकओवर करने लगती है। फिर कुछ देर बाद जब जलील जेनी तैयार होकर नीचे आती है तो वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि उसको देखकर कैप्टन अमेरिका उसका दीवाना हो जाता है। और कैप्टन अमेरिका तो क्या, मैं तो खुद भी इसका दीवाना हो चुका हूँ। इसके बाद वो तीनों पार्टी में पहुँचते हैं जहाँ पर वो सभी जेनी को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि पहले तो वो बिल्कुल चंपू लगती थी और अब अचानक से एकदम माल बन चुकी है। उस पार्टी में चमन चौपाटी भी आता है लेकिन कोई भी उसे अंदर घुसने नहीं देता। फिर पार्टी में हम उल्कापिंड को भी देखते हैं जो कि अमेंडा के लिए एक लव लेटर लिखकर लाया था, लेकिन जब वो उस लेटर को उसे देने जाता है तो वो देखता है कि उसको बजाने के लिए पहले से ही वहाँ पर लड़कों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। वहीं फड़फड़ाती फुद्दी भी कुछ चूसते हुए एक लड़के के पास आती है और उसे कहती है कि हाय मेरा नाम है फड़फड़ाती फुद्दी। लड़का कहता है कि हाँ मुझे पता है क्योंकि हमने बस 5 मिनट पहले ही घचागच किया है, जिसके बाद वो अपनी प्यास बुझाने के लिए एक बुढ़िया के पास आ जाती है। वहीं जलील जेनी भी दारू पीकर इतनी ज्यादा भंड हो जाती है कि वो पार्टी में उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देती है। तभी कैप्टन अमेरिका उसके पास आता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जेनी कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे दारू मत पिलाना। कैप्टन अमेरिका कहता है लेकिन मैंने तो तुम्हें सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। इसी दौरान वहाँ पर चूची भाई अपनी दो सहेलियों को लेकर आती है और जेनी की बेइज्जती करने लगती है। कहती है कि चाहे तुम कितनी भी सुंदर हो जाओ लेकिन तुम लूजर की लूजर ही रहोगी, जिसके बाद वो उसके संतरों में पानी डाल देती है। अब अपनी इस बेइज्जती से जेनी रोने लग जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन जब जेनी स्कूल आती है तो उसे पता चलता है कि स्कूल में एक प्रॉम होने वाला है और प्रॉम को इनके सिलेक्शन के लिए जेनी का नाम भी नॉमिनेट किया गया है। फिर लंच के दौरान कैप्टन अमेरिका जेनी के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ प्रॉम पर चलना चाहोगी। अब ये सुनकर जेनी खुश हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। फिर उसी रात स्कूल का एक रग्बी मैच होता है जहाँ हमेशा की तरह कैप्टन अमेरिका टीम से बाहर बैठा होता है, लेकिन जब उनकी ही टीम बुरी तरह से हार रही होती है और साथ ही उनके एक प्लेयर को चोट भी लग जाती है तो लास्ट में कुछ ना चाहते हुए भी कैप्टन अमेरिका को खेलने के लिए भेज देते हैं। लेकिन अब कैप्टन अमेरिका की बहुत ज्यादा फटी पड़ी थी कि अब वो पहले की तरह खेल भी पाएगा या नहीं, लेकिन तभी वहाँ पर एक काली आता है और कैप्टन अमेरिका का हौसला बढ़ाने लगता है। कहता है कि मैं यहाँ पर एक चौकीदार हूँ और मैंने तुम्हें पहले भी खेलते हुए देखा है, इसलिए जाओ और अपनी टीम को जिता कर आओ। अब इतनी मोटिवेशन वाली बातें सुनकर कैप्टन अमेरिका स्टाइल मारते हुए प्लेग्राउंड में पहुंचता है और गेम खेलना शुरू करता है, लेकिन इससे भी उनको कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कैप्टन अमेरिका गेम खेलना भूल चुका था, जिस वजह से उनकी टीम बहुत ही बुरी तरह से हार जाती है। फिर गेम के बाद जब कैप्टन अमेरिका निराश होकर वहां से जा रहा होता है तभी वहां पर जेनी आती है और उसे कहती है कि तुमने आज बहुत अच्छा खेला। वो कहता है लेकिन हम मैच तो हार गए ना। जेनी कहती है लेकिन तुमने मेरा दिल जीत लिया है और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अभी सुनकर कैप्टन अमेरिका खुश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर निर्भय निरोध आता है और उसे कहता है कि आज तेरी वजह से ही हम ये मैच हार गए। फिर वो कहता है कि अब तुझे इसकी सजा मिलेगी और अब मैं जेनी को सब कुछ बताने वाला हूँ। कैप्टन अमेरिका उसे मना करने लगता है लेकिन निर्भय निरोध जेनी के कान में कहने लगता है आपकी बूंद बहुत खूबसूरत लगी है मुझे, ये तो वेरी नाइस बूंद है, ये तो मेरी पसंद की बूंद है। अब उसको लगता है कि निर्भय निरोध ने उसको सब कुछ बता दिया है, इसलिए वो खुद ही उसे सब कुछ बता देता है और कहता है कि मैंने इसके साथ शर्त लगाई थी कि मैं तुम्हें पटाकर प्रॉम क्वीन बनाऊंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूं। लेकिन जेनी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और रोते हुए वहां से चली जाती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि कई दिन बीत जाते हैं लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते। फिर कुछ दिनों बाद प्रोम पार्टी होती है जहाँ पर जेनी निर्भय निरोध के साथ आई होती है और कैप्टन अमेरिका अपनी बहन फड़फड़ाती फुद्दी के साथ। वहीं उल्का पिंड भी होता है जो कि आज अमेंडा की लेने की पूरी तैयारी करके आया था। तभी वहाँ पर अमेंडा भी आ जाती है जो कि एकदम पटाखा लग रही थी। अब उल्का पिंड अपना लव लेटर लेकर उसके पास जाता है और वो उसे दे देता है। लेकिन उसको पढ़ने के बाद अमेंडा उसे कहने लगती है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं तुझे उस टाइप की लड़की लगती हूँ जो लेटर्स देने वाले लड़कों के साथ घचागच करती है। उल्का पिंड कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अमेंडा कहती है कि मैं ऐसे ही किसी लड़की के साथ सोती नहीं हूँ, मैं तो बस उनका हिलाकर छोड़ देती हूँ। जिसके बाद वो उससे अपनी पिंकी पिटवाने के लिए उसे अपने साथ ऊपर ले जाती है। वहीं जब कैप्टन अमेरिका और जेनी अपने अपने प्रोम पार्टनर्स के साथ डांस कर रहे होते हैं तभी जेनी देखती है कि फड़फड़ाती फुद्दी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वहीं पर ही कैप्टन अमेरिका को चूसना शुरू कर देती है। अब ये देखकर जेनी दुखी हो जाती है और रोते हुए वहां से चली जाती है। तभी वहां पर प्रोम किंग और क्वीन का अनाउंसमेंट किया जाता है जहां पर प्रोम किंग हमेशा की तरह कैप्टन अमेरिका बनता है। फिर बारी आती है प्रोम क्वीन की और यहां पर चूची बाई को लग रहा था कि प्रोम क्वीन या तो वो बनेगी या फिर जलील जेनी, लेकिन प्रोम क्वीन इन दोनों में से कोई नहीं बनती और बनती है दो ऐसी बहनें जो सिर से आपस में जुड़ी हुई थीं। इसी दौरान कैप्टन अमेरिका देखता है कि जेनी निर्भय निरोध के साथ कहीं पर जा रही होती है। फिर वो भागकर उन दोनों के पीछे जाता है और देखता है कि वो दोनों एक होटल रूम में गए हैं। फिर वो उनके रूम के बाहर आता है जहाँ उसे अंदर से उह-आह की आवाजें सुनाई देती हैं। फिर जैसे ही वो रूम के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर निर्भय निरोध चूची बाई की ले रहा होता है और वहीं नवाजुद्दीन फुद्दकी खड़ा होकर उनका वीडियो बना रहा होता है। कैप्टन अमेरिका उसे पूछता है कि जेनी कहाँ है, जिस पर निर्भय निरोध बताता है कि वो तो रोते हुए अपने घर चली गई। फिर कैप्टन अमेरिका उन तीनों के मुंह पर एक घुसंड मारता है और जेनी को मनाने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। वो वहां पर उसके बाप से पूछता है कि जेनी कहाँ है, जिस पर उसका बाप बताता है कि वो तो एयरपोर्ट गई है क्योंकि अभी उसकी पेरिस की फ्लाइट है। अब कैप्टन अमेरिका को कैसे भी जेनी को रोकना था इसलिए वो भी भागता हुआ सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वहीं चमन चौपाटी भी आ जाता है क्योंकि वो भी जेनी से प्यार करता था और आज वो उसे अपनी दिल की बात बताना चाहता था। अब कैप्टन अमेरिका जेनी को वहां से जाते हुए देखता है लेकिन उसको रोकने के लिए वो एक बच्चे से उसकी बॉल छीन लेता है और उसे सीधा जलील जेनी के सिर पर मारता है। फिर वो उसके पास आता है और कहता है कि प्लीज मत जाओ क्योंकि जब मैंने वो शर्त लगाई थी तो मैं तुम्हें नहीं जानता था लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तभी अचानक वहाँ पर एक एम्प्लॉय उसे रोक देती है और उसे कहती है कि मैं बता दूँ क्या कि तूने ये डायलॉग किस फिल्म से चुराया है। तभी जेनी कहती है कि हाँ मुझे याद आया, तुमने ये डायलॉग जेसम 2 से चुराया है और तुम्हें पता है मैंने उस फिल्म को देखकर उंगली भी की थी। तभी कैप्टन अमेरिका उस एम्प्लॉय को कहता है कि साली अगर तुझे कोई दिक्कत ना हो तो अब मैं बोल सकता हूँ। जिसके बाद वो जेनी को कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं किसी और लड़की के साथ भी घचागच कर लूंगा इसलिए तुम्हें यहाँ से चले ही जाना चाहिए। जेनी कहती है कि साले तूने ये डायलॉग भी बाहुबली से चुराया है लेकिन अब मैं कहीं नहीं जा रही। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं। तभी वहाँ पर तालियां बजाते हुए चमन चौपाटी भी पहुँच जाता है क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि अब लड़की हाथ से निकल चुकी है इसलिए हाथ घड़ी चलाओ और मस्त रहो। और हाँ भाइयों मैं तुमसे भी कह रहा हूँ, अब सर्दी आ चुकी है इसलिए अगर तुम्हारी कोई सेटिंग नहीं है तो लड़कियों के पीछे मत भागो, हाथ घड़ी चलाओ और मस्त रहो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में।